bestie, so I wanna share something with you. मैं 4-5 दिन से I was at home only, और मैं कुछ कर नहीं रही थी, मैं कहीं जा नहीं रही थी, और ना मैं किसी से बात कर रही थी, ना मुझे किसी से मिलने का मन करता था, ना मुझे किसी से बात करने का मन करता था. तो मैं रिजवान से बात कर दी अबाउट दिस, एंड ही सेड लुक्स लाइक यू आर डिप्रेस्ड. मतलब वाई? बिकॉज प्रोडक्टिव भी नहीं होता था मेरा दिन में, ना मैं काम कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, बट साइक, आई एम ऑन अ वेकेशन द नेक्स्ट डे. मैंने कहा आई नीड अ वेकेशन, एंड एज यू गाइज नो आई एम नॉट अ माउंटेन पर्सन, सो आई एम नॉट गोइंग टू द माउंटेन. आई एम एट गोवा राइट नाउ, सो दिस इज नॉट माई ब्रदर्स थार, दिस इज रेंट की भी थार. पता क्या होता है ना, लोगों का ये हो जाता है कि यार वी आर डिप्रेस, वी आर लाइक दिस एंड दैट एंड दिस. उनको ना उसी जोन में रहना है, ठीक है, उनको उसी जोन में रहना है बिकॉज उनका कम्फर्ट जोन बन जाता है. जैसे 4 दिन मैं ऑलमोस्ट अपने घर के बेड पे पड़ी हुई हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ, ना मुझे किसी से मिलने का मन कर रहा है, बट ये मेरा कम्फर्ट जोन बन चुका था. तो मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू ब्रेक दिस शेल, बिकॉज काम भी नहीं कर रहे हो यार, प्रोडक्टिव तो हो किसी भी एंगल में प्रोडक्टिव नहीं थी. तो मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट द पर्सन आई एम, आई हैव टू वॉक, आई हैव टू डू ऑल द शिट, एंड यस, सो आई एम ऑन अ वेकेशन. मुझे लगा कि शायद से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि टू हैव लाइक अ गुड वेकेशन, एंड द बेस्ट कंपनी इज रिजवान, एंड रिजवान ने मेरे को बोला, तो मैंने कहा चल भाई, पैक योर बैग एंड लीव. सो हमने ऑलमोस्ट 1 दिन पहले ही सारी बुकिंग करी थी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ी है. आई स्वेयर टू गॉड, यहाँ बहुत कुछ महंगा है. मतलब 4-star होटल्स में हम 5-star के पैसे देके रह रहे हैं, और 5-star होटल तो अवेलेबल ही नहीं है. सो भाई, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ लाइक अ मिस्टेक ऑल्सो, लाइक आई केम हियर, दिस इज माई मिस्टेक, दिस वेकेशन इज माई मिस्टेक, आई फील लाइक इट, बट लेट्स सी. फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह, सो फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन, एंड यू नो व्हाट, दूर है बहुत, काफ़ी दूर आए हैं हम लोग. मतलब अगर हमें कहीं जाना भी है तो इट विल बी लाइक सो फार, अच्छी जगह है, बट वी मैनेज फॉर दिस. मैंने बीच के पास प्रॉपर्टी बुक करवाई थी क्योंकि मुझे चाहिए ही ऐसा था, बट आई लाइक देयर प्लेस, इट्स अ नाइस प्लेस, सो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड फॉर द रूम. सो नाउ वी आर गोइंग टू द रूम. बाहर मत जज करो, अंदर दिखाती हूँ, इट्स सो प्रिटी. सो दिस इज द, it's huge first of all, and you know I love the mirrors, they have like lot of mirrors. This is our room. Ooh, loved it, it's huge, and the best part is like obviously bahut sare mirror hai, mere liye to bahut hi sundar hai, and look at this guys, this, oh my god, aisi property mein rukna chahti thi main. It's so pretty, kaisa laga tujhe? Badhiya hai na? This is the whole room, it's huge. Okay, आई डोंट नो, एसी काम नहीं कर रहा इनका, बट लेट्स सी. मैंने बाथरूम नहीं देखा अभी तक, तो हम साथ में देखेंगे, एंड आई विल शो यू माय रिएक्शन. द बाथरूम इज वेरी नाइस, लुक एट दिस, इट्स माय गॉड, सो माय टाइप, ओ माय गॉड, लव द प्लेस, डू लव द प्लेस, सो वेरी नाइस. सो वी आर स्टेइंग हियर फॉर 1 डे ओनली. तो हम आए हैं कुछ खाने के लिए, एंड दैट्स अ सनडाउनर प्लेस, बट हमारे सर को सन डाउनर नहीं देखना है, उसको यहाँ पुल में आके चिल करना है. पर ये भी सन डाउनर ही, आज सन ही नहीं है एक्चुअली, तो क्या सन डाउनर लग रहा है. मतलब ऑफ रोडिंग करिए खूब तार में, हमने खूब तार में ऑफ रोडिंग बिना बैक कैमरा के मैं थार चला रही हूँ, थॉट ऑफ माई सेल्फ. और ऑब्वियसली रिजवान मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, बिकॉज यहाँ की सड़कें इतनी छोटी है यार, आप लोग कैसे चलाओ बताओ, यहाँ पे दिमाग ख़राब. और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और सन निकला नहीं है तो सन डाउन तो नहीं देख पाएंगे, बट तो आज का हमारा लास्ट डे है, और अभी हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं विद द व्यू, लुक एट द व्यू. व्यू जितना अच्छा है उतना बेकार ब्रेकफास्ट है, सच बता दूँ, ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे. बट ये हमारा लास्ट डे है, और रिजवान भी ब्रेकफास्ट खा रहा है, उसने तो सिर्फ फ्रूट्स ही खाया है, उसने बोला मैं नहीं खाऊँगा कुछ भी क्योंकि अच्छा ही नहीं है, तो फिर या बट प्रॉपर्टी अच्छी है, बट यहाँ नेटवर्क नहीं है. यहाँ पे यही है ना कि कुछ कॉन्स है, कुछ प्रॉन्स है, तो या सो आज का दिन हमने अभी यही बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या करना है, बिकॉज टुडे इज़ आर लास्ट डे. कल का डे हम लोग कल नई जगह गए थे पार्टी करने के लिए, थलासा के अलावा रोमियो लेन गए थे,
कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट हम लोग जल्दी आ गए. फिर भी हम सोए 4 बजे ही है और मेरी आंखें पूरी स्वेल्ड है बिकॉज मैं नींद कम्प्लीट नहीं हुई है. बट आज हम जा रहे हैं बाहर, लेट्स सी क्या होता है. किसी और का नाम ना लिखा है. मैंने लिखा है आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई डू लव माई सेल्फ एंड आई वांट टू लव माई सेल्फ मोर एंड मोर. अब मैं हो गई हूँ रेडी और अभी हम जा रहे हैं सन डाउनर प्लेस में, क्योंकि पता है सन डाउनर प्लेस में हम गए नहीं, हम स्पेशली सन डाउनर प्लेस के लिए आते हैं और यहाँ इतनी बारिश हो रही थी, बट अभी धूप निकल गई है. हम सन डाउनर जाएंगे, लेट्स सी कहाँ जाते हैं. मेरा मूड थोड़ा ख़राब है एज यूजुअल, तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे एक सन डाउनर, क्योंकि सन डाउनर प्लेस में दिस वेकेशन इज सपोज टू गिव मी पीस. बहुत दिया, मतलब मज़े भी किए हमने बहुत ज़्यादा, बट लाइक ये मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे. और फिर देन मैंने आपको बताया था आई वॉज फीलिंग डिप्रेस, तभी मैं इधर वेकेशन पे आई थी. दिस मेक्स मी हैप्पी. तो अभी फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा मूड ख़राब हो गया मेरा, बट आई डोंट नो, वेकेशन का सारा पैसा सब कुछ ख़राब लग रहा है मुझे अभी, बट इट्स ओके. दिस लाइफ अप एंड डाउन तो होता रहता है, तो विल ग्रो. ब्रेड्स ओनली, पता नहीं क्यों क्या हो गया, ब्रेड्स की क्रेविंग होती है. हियर वी गो, लुक्स यम. इसको बनाया तो उसकी तरह है, क्या कहते हो उसे, समथिंग. अरे यार ड्रिंक्स आर ऑल्सो हियर, दीज आर आवर ड्रिंक्स. चेयर्स टू आवर लास्ट डे इन गोवा. मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर भी मैंने 3 खा लिए क्योंकि महंगी चीज़ है. ये रिजान पसंद है, ही लाइक इट. ओके, हम ना खा पाएंगे चिकन. हाय बेस्टीज, फाइनली मैं अपने बेड पे हूँ. इस लास्ट वेकेशन पे मैं ढंग से सो नहीं पाई हूँ और ना मैं ढंग से ब्लॉग कर पाई हूँ बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रही है. टाइम आने पे सब शेयर करूँगी. मैं गई थी ताकि मेरे को मेंटल पीस मिले, बट एक्चुअली मुझे वहाँ पे मेरे लास्ट डे में मुझे ना कुछ ऐसा पता चला जिससे मेरा और दिमाग ख़राब हो गया. बट मैं घर आ गई हूँ और आई एम ट्राइंग टू फिक्स लॉट ऑफ थिंग्स और आई डोंट नो. बस मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अभी मेंटली मैं ठीक नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी ओके. एंड जो ये ट्रिप था ये इसीलिए था कि मुझे एक न्यू फ्रेश मिले और अच्छा लगे, बट इस ट्रिप में भी काफ़ी सारी बकवासें हो गई है और काफ़ी सारा ड्रामा भी हुआ था, बट इट्स ओके. एंड आई हैड फन दो, और मुझे रिजवान के साथ तो वैसे ही मज़ा आता है. रही बात मेंटल पीस की, तो वो ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं, बट मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में आपको जो भी चीज़ पसंद है वो करना, ठीक है. डिप्रेस पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, उसका सोल्यूशन निकालना. और कभी भी मत सोचना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, सबसे पहली बात तो. जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेस्ड हो, बिकॉज मुझे नहीं लगा था मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे रिजवान ने बोला लुक्स लाइक यू आर डिप्रेस्ड, देन आई रियलाइज मे बी आई एम, बिकॉज मुझे नहीं पता चल रहा था. तो आई डोंट नॉट डील विद दैट, दैट्स वाई मैंने अपने आप को उठाया, मैंने कहा बाहर चलो, बाहर कुछ करो. सो आई एम बैक, आई एम ट्राइंग टू गो आउट एंड डू थिंग्स. सो जस्ट फिक्सिंग माई थिंग्स एंड आई जस्ट वॉन्ट गिव यू लाइक मोर लव एंड मोर पावर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. बस प्रे करो कि हर चीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. लव यू, बाय.